भले आपला संघ विजयी ठरला नाही, परंतु एक चांगला खेळ दाखवण्याचा आपण नक्कीच प्रयत्न केला आणि या स्पर्धेची आठवण आपल्याजवळ कायम राहावी यासाठी एक आगळं वेगळं इथे आपल्याला गिफ्ट सुद्धा आहे, एक आठवण राहावी यासाठी आपल्यासाठी ड्युरेशन पॉवरच्या माध्यमातून एक आगळं वेगळं एक सरप्राईज गिफ्ट आहे. रायपाडा संघाचा कॅप्टन या ठिकाणी निश्चितच दाखल होतोय, अर्थात हे पा गिफ्ट त्यांना दिलं जाईल ड्युरेशनच्या माध्यमातून. मान्यवर देखील या ठिकाणी आमच्या बरोबर आहेत आणि मॅच देखील सुरू होते. लगेच आपण मॅचच्या दिशेने देखील जातोय. एकच मिनिट अंपायर, एकच मिनिट घ्या. लगेच आपण हे गिफ्ट देतो की ज्यामुळे कॅमेरा तुमच्यापर्यंत जाईल, कुठली गोष्ट आपण मिस करणार नाही आहोत. ड्युरेशनच्या माध्यमातून यावेळेला रायपाडा संघ जो पराभूत झालेला आहे त्या संघाचा देखील सन्मान या ठिकाणी होतो आहे. ओके, थँक्यू आणि जाऊया मॅचच्या दिशेनं. चला सामन्याच्या दिशेनं आपण जातोय. सामना होतोय जिथे क्षेत्ररक्षण करणारा संघ बघतोय एकविरा नारंगी आणि प्रथम फलंदाजी करतोय संघ आई जीवदानी कासपाडा. पहिला चेंडू हवेत आहे क्षेत्ररक्षक जयेंद्र सोन्या पहिल्या चेंडू वरती निषादला लाभलाय यश. पहिल्या चेंडू वरती विकेट गॉन. वेलकम बैक सभी दर्शकों का, खिलाड़ियों का स्वागत है. आप देख रहे हैं ड्यूरेशन चषक 2022 डे वन मैच नंबर टू. आई जीवदानी घासपड़ा बनाम आई एकवीरा नारंगी. पहले मैच में श्रीराम कचरानी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज फिलहाल तैयार. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करते हुए निशांत गेंदबाजी करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट और गेंद को कवर की तरफ खेलना चाहते थे लेकिन गेंद के फेस तक नहीं थे. विकेट कीपर की तरफ गेंद जा रही है, रन की कोई गुंजाइश नहीं है. देखिए दोबारा क्या हुआ था, लेग स्पिन के थोड़ा सा बाहर चले गए थे, इनसाइड आउट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है. डिबेन ने अपनी क्वालिटी को और बेहतर किया है. स्टोक अच्छा ऑन साइड की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी या बॉडी रन पर तैनात है. लॉन्ग ऑन की तरफ एक रन का इजाफा, सिंगल के साथ रन संख्या अब स्कोर एक रन एक विकेट के नुकसान पर घासपाड़ा. संदेश और संकेत मैदान के अंदर, एक विकेट खोने के बाद अब एक साझेदार की बिल्कुल जरूरत है. शानदार माहौल यह बना हुआ है. टूर्नामेंट का पहला दिन बहुत अच्छे जो कि मैन ऑफ द मैच के लिए एक अच्छी बैटरी, ब्रांडेड बैटरी बिल्कुल ड्यूरेशन की तरफ से आपको पावर देने वाली है. संकेत एक बार संदेश ने अपना खाता नहीं खोला. निशात गेंदबाजी कर रहे हैं. पहली गेंद पर विकेट है, दूसरी गेंद पर बिंदी है, तीसरी गेंद पर अगर देखे तो सिंगल आता वहां और बल्लेबाजों को साझेदारी की बिल्कुल जरूरत. तो कर मांगेला सर, पहले ओवर में निशात ने दबाव डाला है. निशांत ने पहले तीन चेंडू जर बघितले, पहिल्याच चेंडू वरती विकेट्स प्राप्त केला होता. गडी खास करून कल्पेशच्या रूपानं पहिला मोठा गडी बाद केला होता निशांतनं. पाठीमागे गेला, पंच करण्याचा प्रयत्न होता, स्वतः गोलंदाज जातोय. तो फक्त एक धाव या चेंडू वरती पूर्ण करतोय यामध्ये. आणि हा एकवीरा नारंगीचा संघ खेळतोय नेहमी चंदन सर गटामधनं एनसीसी बी संघाला खेळताना आपण बघायचं. या स्पर्धेमध्ये खेळताना नारंगीच्या टीमनं थोडासा बदल केलाय, कारण एक मुख्य संघ एक गाव एक संघाकडनं खेळताना बघणार आहोत, त्या फॉर्मॅटमध्ये खेळताना बघणार आहोत. या फॉर्मॅटमध्ये खेळणारा संघ दुसरा आहे. इथून प्रयत्न आहे एक नवी टीम, नवी एक थोडासा संघ या आई एकवीराच्या माध्यमातून या मैदानावरती खेळतोय. क्लीन बोर्ड सरळ यस्टी उद्ध्वस्त मिडल स्टंप डिस्ट्रॉय गॉन. शिट्टी वाजणार हार दादा, शिट्टी वाजणार हार, फक्त शिट्टीच वाजणार हार दादा, शिट्टी वाजणार हार. या षटकाचा खेळ जर बघितला तर पहिल्या चेंडूवरती विकेट्स प्राप्त केला होता. हाही फटका बघा कशा पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न केला. निशात पाटील एक वेगवान गोलंदाज आहे,
कोलवट टप्प्यात चेंडू हाताळण्याचा प्रयत्न केला, इन साइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न होता, सरळ मिडल्यानं ऑफ स्टंप वरती हा चेंडू आदळतोय. इन साइड आउट खेळताना आपला पुढचा पाय चेंडूच्या रेषेत जाणं गरजेचं होतं, त्या लाईन मध्ये खेळणं गरजेचं होतं, ते थोडस कमी पडलं आणि संकेतला इथं परतावं लागलं. संकेतच्या रूपानं दुसरा गडी निषाद पाटील या गोलंदाजाला आपण बघतोय. आणि प्रशांत म्हणजे एक अक्ष इलेव्हन डोंगरपाड्याच्या माध्यमातून एक स्पर्धा झाली होती, त्या स्पर्धेमध्ये या खेळाडूने एनसीसी बी कडे खेळताना प्रभावित केलं होतं आणि आज तो आई एकविराच्या संघाकडनं प्रमुख गोलंदाज म्हणून समोर येतोय. देखिए ये जो शॉट खेलने का जो प्रयास किया गया बल्लेबाज ने, तो बल्ला बिल्कुल ऑन सर की तरफ आया, लॉन्ग ऑन मिड विकेट क्षेत्र की तरफ आया, तो इन साइड आउट जब आप खेल रहे हैं तो कवर की तरफ आपका बल्ला जाना चाहिए था, वो भी गलती है और इसका फायदा निषाद को मिलता था. निषाद का सही निशाना, गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, वाइड बॉल का इशारा, दो रन दो विकेट के नुकसान पर. संदेश एक पर कल्पेश ने अपना खाता नहीं खोला है, रन संख्या 3 रन 2 विकेट के नुकसान पर. करंट रेट 3.60 का है. अच्छा ओवर, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी इस वक्त गेंदबाज की तरफ से निशाद. ऑफ टंप के बाहर गेंद थी, बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंद को कवर की तरफ ड्राइव किया गया था, एक रन का इजाफा, इसे सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर. घासपाड़ा अरे जुदानी घासपड़ा बनाम आई एकवेरा नारंगी, ये मुकाबला है और पहले ओवर का खेल जिसमें बहुत अच्छी गेंदबाजी, सफल ओवर का खेल समाप्त हुआ, रन संख्या 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुप्तगु जारी रहेगा. वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. आप देख रहे हैं ड्यूरेशन चषक 2022 और पहले ओवर में निषाद का निशाना बहुत अच्छा था. तुकाराम सर क्या कमाल की गेंदबाजी की और केवल 4 रन बनाने का मौका, 2 शिकार, मैग्निफिसेंट बोलिंग, सुपर बोलिंग बाय निषाद. अप्रतिमा गोलंदाजी हाताळली होती आणि खास करून जो फुलर लेन चा यॉर्कर लेन डिलिव्हरी हाताळली होती निशान. और आपने सही कहा, निषाद का निशाना सही जगह पे था. निशाननं पहिल्या षटकामध्ये दाखवून दिलेल्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये काय पद्धतीने गोलंदाजी हाताळली हितांशु पाटील याही खेळाडूने गेले 2-3 वर्ष प्रभावित केले. दुसऱ्या बाजूला घासपाड्याचा संघ दोन्ही संदेश कल्पेश मात्रे ही जोडी मैदानावरती ऑन साइडला मिस झालाय फलंदा गोला क्षेत्ररक्षक आणि चेंडू गेला सीमारेषा पार सौकार. असा एकच आमदार झाला ज्याने खासदार निवडून आणला. संकेत पाच झाल्यानंतर कल्पेश मात्रे बघा कशा पद्धतीने हा फटका खेळलाय. आखूड टप्प्याचा चेंडू होता, ऑन साइडला पॉवरफुल फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, मिड विकेट रिझन मध्ये क्षेत्ररक्षक होता, क्षेत्ररक्षकाने केली चूक आणि त्या चकूचं इथे रूपांतर झालंय चौकारामध्ये. हितांशू गोलंदाजी मार्क वरती त्या दिशेने पुन्हा फटका खेळलाय. क्षेत्ररक्षक आहे, पहिला केले मिस्टेक, आता करणार नाहीये. आरामात जेल टिपतोय, अजून एक विकेट गमावतोय, गडी गमावतोय आई जीवदानी घासपाड्याचा संघ. बहुजन विकास आघाडीचा झेंडा फडकत राहणार हाय, फडकत राहणार हाय, शिट्टी ही वाजणार हाय रे दादा, शिट्टी ही वाजणार हाय, फक्त शिट्टीच वाजणार हाय रे दादा. कल्पेश मात्रेने थोडीशी आशा निर्माण केली होती, थोडीशी अपेक्षा निर्माण केली होती याने याही चेंडूला ऑन साइडला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला, बॅटच्या मधोमध आला नाही, थोडस वरच्या बाजूला चेंडू लागलाय आणि आरामात झेल टिपतोय. अक्षय होते क्षेत्ररक्षक, अक्षयच्या हातामध्ये हा चेंडू विसावलाय. अजून एक विकेट बघा, हितांशूला आपण बघितलं काल, प्रशांतजी आपण या खेळाडूला जी कोपरीच्या मैदानावरती विरार ग्रामीण प्रीमियर लीग बघितली होती तर यांचाच संघ विजेता होता, जेम्स बॉन्ड विरारचा संघ. त्या स्पर्धेमध्ये ऍज अ बॉलर नाही तर ऍज अ बॅट्समन या खेळाडूंची चांगली कामगिरी होती, पण आपल्या जवळ अष्टपैलू खेळ आहे, आपण एक चांगला ऑलराऊंडर होऊ शकतो हे दाखवण्याचा इथे पुरेपूर संधी आहे हितांशूला. बिलकुल इस वक्त अच्छी गेंदबाजी कर रहे और दबाव बल्लेबाजी के ऊपर डालते हुए नरम हाथों से गेंद को खेलते हुए कमर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है. थ्रो अच्छा नहीं है, थ्रो बेहतर होता तो बिल्कुल या खतरे की घंटी बजती हुई. बहुत बढ़िया खेल मैदान के अंदर. अब देखिए इस दबाव में संदेश और दीपक को एक अच्छी पारी खेलने की जरूरत है. आई जीवदानी घासपाड़ा टीम के लिए
अक्षत इलेवन डोंगरपाड़ा न्यू चंदनसार बदाम दोनों टीमों के कप्तानों को मैं विनती कर रहा हूं प्लीज हमारे कॉम्बॉस की तरफ आइए। ड्यूरेशन चषक 2022 मैन ऑफ द मैच के लिए एक अच्छा टॉर्च और अच्छी बैटरी आपको मिलेगी चार्ज करने के लिए। 9 प्लस ऑफ थ्री विकेट न्यू मैन इन दीपक एक पर खेल रहे संदेश ने एक रन बनाया है और इसी दबाव में बेहतर प्रदर्शन करने का मौका बिल्कुल बल्लेबाजों के पास भी है। हितांशु की अगली गेंद काफी ऑफ टेप के बाहर है तो व्हाइट बॉल का इशारा होता हुआ मिस्टर एस्ट्रा से रन संख्या बिल्कुल बढ़ती हुई डबल फिगर में 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर। किसी एक बल्लेबाज को आखिर तक खेलने की जरूरत है क्योंकि 5 ओवर का मैच है तो इंटेन अच्छा होना चाहिए सकारात्मक सोच के साथ बल्लेबाजी करने की जरूरत है। दबाव तो आएगा चाहे जिंदगी का मैदान हो या क्रिकेट का मैदान दबाव तो आएगा लेकिन दबाव को झेलने की आदत होनी चाहिए। बाहरी किनारा विकेट कीपर का सहारा शानदार कैच टूर्नामेंट का बेहतरीन कैच है एक हाथ से लपकते हुए यहां अगर देखे तो निशान ने अच्छा कैच लपका है ऐसे कैच लपकते नहीं चिपकते हैं। थैंक यू डीजे दोबारा देखिए क्या हुआ था मैदान के अंदर टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद बाहर की तरफ निकली है देखिए कैच किस तरह से लिया बैकफुट जाके कट करने का प्रयास गेंद एक बार भी लेफ्ट साइड की तरफ जो कि उड़ रही थी एक हाथ से इस कैच को शानदार तरीके से निशांत ने लपक लिया है। मैग्निफिसेंट फील्डिंग अद्भुत खेल मैदान के अंदर इस वक्त अगर देखे तो नारगी के खिलाड़ियों का हाँ म्हणजे पहिल्या सामन्याची जी कहाणी होती तीच कहाणी कुठेतरी आपण बघतोय या दुसऱ्या सामन्यामध्ये सुद्धा तीच कहाणी बघतोय। हितांशु पाटील दोन यश संपादित करतो खास करून निशांतचा हा झेल और आपने सही कहा असे कॅच पकडले नाही जात तर चिपकतात आणि त्या लेफ्ट हँडचा पुरेपूर वापर केला योग्य वेळेला अटेम्प्ट केला आणि हा झेल टिपलाय निशांत हितांशु पाटील सज्ज होता नवीन फलंदाज खेळपट्टीच्या दिशेने जातोय चिराग म्हणजे जे पहिले तीन चार फलंदाज बाद झाले त्याच्यानंतर जबाबदारी वाढले जिम्मेदारी वाढले साइडला पायावरती चेंडू आदळलाय पण पंच दाखवतात वर थोडासा चेंडू आदळलाय जिथे हे नेहमीच क्रिकेटमध्ये जसं म्हटलं जातं थायपॅडच्या ठिकाणी वर थोडासा चेंडू आदळलाय एक ज्याला म्हणतात 4 फुटाचं अंतर अजूनही पार करायचं होतं पुन्हा आपण बघू शकता खेळण्याचा प्रयत्न केला पण थोडासा हाईट फॅक्टर होता आणि चांगले पंच आपण बघतोय एक हाईट फॅक्टर होता तेच दाखवलं होतं हे कारण होतं इथे नाबाद ठरवत फलंदाज चिरागला पण हितांशुचं कौतुक यासाठी कारण पहिल्या चेंडूवरती चौकार आल्यानंतर सावरले खोलवर टप्प्यात चेंडू ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न ऑफ साईडला वाईडिश लॉंग आपला क्षेत्ररक्षक मनीष जोपर्यंत जाईल तोपर्यंत फक्त एकच धावे चेंडूवरती पूर्ण करतोय दोन षटकांचा खेळ संपलाय कहाणी तीच आहे तीन डाव झाल्यात आतापर्यंत तीन डावामध्ये पहिल्या दोन डावामध्ये 12 धाव बनल्या होत्या या सामन्यामध्ये दोन षटकाचा खेळ संपलाय धाव संख्या 11 4 गडीबाद 11 एक विरा घासपडा संघ अक्षय इलेवन डोंगरपाडा के कप्तान और न्यू चंदनसार बदाम टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ प्लीज हमारे कॉम्बॉस की तरफ आइए क्योंकि ये आखिरी कॉल है आपके लिए टी शर्ट आपको यहाँ से लेके ले जाना है टॉस के लिए तैयार रहना है और पहले दो ओवर की कहानी अगर देखे तो तीन इनिंग में बराबर की रही है और पहले तीन मैचेस में मतलब पहले दो मुकाबले की बात करें तो खास करके वो श्रीराम कसवाली और जयदुर्गा रायपाड़ के बाद जो मुकाबला था और वहां वो दो इनिंग उसके बाद में अब ये दूसरा मुकाबला चल रहा है ये तीसरी इनिंग में पहले दो इनिंग में 12 रन बने थे और तीसरी इनिंग में 11 रन बने हैं तो कहानी में कोई बदलाव नहीं है दबाव बल्लेबाज के ऊपर है और यहां से खेल में पलटवार आता है क्या तीसरे ओवर में मैच में पलटवार आएगा ऑन साइड पर पुल करना चाहते थे अपील जरूर करते हुए अंपायर देखे पूरी तरह से चौकन्ने हैं अपील उसके बाद में कहा कि भाई गेंद बल्ले को लगी है अच्छी अंपायरिंग मैदान के अंदर रन संख्या 12 रन 4 विकेट के नुकसान पर दोन आवाज आले होते हे कारण होतं की पंचाने दाखवलं होतं की पहिला बॅटला स्पर्श झालाय या चेंडूला इनसाइड एज लागलेली होती शरीरावरती एक बक्षीस आले जो एका हातामध्ये झेल टिपला निशांतसाठी एक प्राइस झालेला आहे मयूर पाटील कडनं 500 रुपये जो वन हँडेड कॅच पकडलाय त्यासाठी एक प्राइस झालंय 500 रुपयाचं निशांत आणि निशांत यावेळेला मात्र इन फ्रंट ऑफ द विकेट येष्ट्यांच्या बरोबर समोर पायावरती चेंडू आदळलाय पंचांचा बोर्ड गेले वर 5वा झटका 5वा गडी बाद होतोय घासपडा संघाचा
एक्शन रिप्ले मध्ये बघू शकता कशा पद्धतीने हा चेंडू हाताळला गेला होता निषाद पाटीलचा हा चेंडू बरोबर मिडलवर म्हणजे गुरुग्याच्या खाली जवळपास चेंडू लागलाय मिडल स्टंपला हिट करेल या पद्धतीने हा चेंडू गेलाय आणि पंचच बोर्ड गेले वर कॅमेरा वर्क सुद्धा तितकंच आहे आणि जसं तुम्ही प्रशांत जी उल्लेख केला होता डीबीएन लाईव्हची टीम उत्तरोत्तर म्हणजे काही काही नवीन गोष्टी आणण्याचा प्रयत्न करतोय कारण एक प्रयत्न केला होता म्हणजे जसा डीआरएस आपण एलबीडब्ल्यू बघतो तो प्रयत्न सुद्धा डीबीएन लाईव्हची टीम प्रयत्न करतोय फक्त अँगलचा थोडासा विषय आहे तो अँगल आल्यानंतर तोही प्रयत्न आपण या टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून डीबीएन लाईव्हची टीम करण्याचा प्रयत्न करेल अक्षय इलेव्हन डोंगरपाडा संघाचे कॅप्टन आमच्या समालोचन कक्षामध्ये दाखल झाले न्यू चंदनसार बदाम टीमचे कॅप्टन आपण प्लीज आमच्या व्यासपीठावरती यायचं आहे शेवटचा कॉल असेल या संघासाठी डोंगरपाडा संघाचे कॅप्टन दाखल झालेत तर न्यू चंदनसार बदाम आपल्यासाठी हा शेवटचा कॉल आहे प्लीज व्यासपीठावरती या तीसरे ओवर के कहानी मैदान के अंदर चंद्रीय रन संख्या 12 रन 5 विकेट के नुकसान पर कदमों का इस्तेमाल किया स्ट्राइक अपर की तरफ गेंद को खेलते हुए इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है बहुत तेजी के साथ इस गेंद की तरफ चले गए और फिलहाल रन संख्या इसी के साथ कुल मिलाकर 13 रन 5 विकेट के नुकसान पर न्यू चंदनसार बदाम टीम के कप्तान बिल्कुल मैं आपको विनती कर रहा हूं दरख्वास्त कर रहा हूं हमारे कॉम्बॉक्स की तरफ आइए क्योंकि टी शर्ट आपको देने हैं अक्षय इलेवन डोंगरपाड़ा के कप्तान पहुंच चुके हैं 13 प्लस 4 विकेट मैग्निफिसेंट बॉलिंग बाय निषाद एंड हितांशु लो फुल टॉस गेन ऑन साइड की तरफ खेलते हुए स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद तो करण सर दबाव तो आएगा ये क्रिकेट की कहानी जो है ना दबाव से ही शुरू हो जाती है और दबाव में आपको बेहतर करना होता है ये दबाव एक इनिंग में नहीं है दो इनिंग में नहीं है बार बार आ रहा है और दिव्यांग क्रिकेट के एक जहांबाज खिलाड़ी रवि पाटिल धीरे धीरे इस वक्त मंच की तरफ पहुंच रहे हैं रवि जी आपका स्वागत है जिन्होंने लगातार 3 मैचेस में अलग अलग वर्जन में शतक बनाने का कारनामा किया था पहले मुकाबले में ऑफ्टेप के बाहर गेंद गैप में खेलते हुए टाइमिंग बढ़िया गेंद बॉडी लाइन की तरफ ट्रैवल होती भी रवि पाटिल का क्या शानदार स्वागत हुआ है इस खूबसूरत और शानदार चौके के साथ ये लगा ड्यूरेशन पावर शानदार चौका वेलकम बाउंड्री इस वक्त इसकी जरूरत थी पॉइंट और कवर के बीच का फासला चिरती भी गेंद गोली के रफ्तार के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए 18 प्लस 4 विकेट वेलकम बाउंड्री फॉर विशाल तो करण सर इसकी जरूरत थी दबाव बन रहा था प्रेशर रिलीज करने के लिए इस तरह के शॉट खेलने की जरूरत बिल्कुल या चौकाची फार गरज होती डिफेन्स पुश करने प्रयत्न एक्स्ट्रा कवरेजच्या मध्ये क्षेत्ररक्षक वेगाने आला आहे एक धावे चेंडू वरती पूर्ण करतो कारण तुम्ही जसं तुम्ही उल्लेख केला दबावाचा इथे 3 षटकांचा खेळ जवळपास पूर्ण झालाय 19 धावा 19 3 षटकांचा खेळ संपलाय 19 वरती धावसंख्या जाऊन पोहोचलेली आहे एक गीत घेऊया आणि पुन्हा एकदा मॅचच्या दिशेने परत येऊया चला पुन्हा एकदा मॅचच्या दिशेने जाणार आहे तर जसं प्रशांत आतावडे यांच्या जोडीला चर्चा करतोय दबाव येणार कारण तुम्ही या स्टेजला ज्या वेळेला खेळतात ना तर दबावात खेळण्याची तुमची सवय सुद्धा असायला हवी प्रेशर मध्ये प्रेशर रिलीज करण्यासाठी प्रेशर हँडल करण्यासाठी तुम्हाला ती सवय असायला हवी ती सवय असणार नाही ना तर दबाव आपके उपर हवे होगा तुम्ही दबावाला जुगावर देण्याच्याऐवजी दबाव तुमच्या समोर येणार आणि कौतुक आहे एकवीरा नारंगीचं यंगस्टर आहेत जबरदार युथ म्हणजे ज्याला म्हणतात जोश आहे जोशच्या जोडीला थोडा होश राखणं सुद्धा फार गरजेचं आहे परंतु एक चांगली कामगिरी आतापर्यंत 3 षटकामध्ये साकारले या आई एकवीरा नारंगीच्या संघानं गेंदबाजी में परिवर्तन होता बा इस वक्त ऑन साइड पर एक अच्छा स्ट्रोक गेंद बॉलिंग के बाद 4 रन वेलकम बाउंड्री ड्यूरेशन दमदार पावरफुल चौका
शक्ती वाजणार हाय दादा, शक्ती वाजणार हाय, फक्त शक्तीच वाजणार हाय दादा, शक्ती वाजणार। अक्षी इलेवन डोंगरपाड़ा और न्यू चंदनसार बादाम के बीच जो मुकाबला है, वो मुकाबला और उसका टॉस जो है बिल्कुल 5 ओवर के बाद होने वाला है। मैग्निफिसेंट स्ट्रोक और बहुत बढ़िया तरीके से ऑन सर की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी है लॉन्ग ऑन पर, खिलाड़ी है मिड विकेट पर, लेकिन बीच में तो गैप है, उस गैप में खेलते हुए बल्लेबाज विशाल 25 विकेट के नुकसान पर थोड़ा सा मोमेंटम अब गाजपाड़ा की तरफ जाता हुआ। हाँ, गेले 2 चौकार जर आपण बघितले विशाल च्या बॅट मधून आले आहेत आणि जो उल्लेख केला तुम्ही मोमेंटम चा, तो मोमेंटम त्या 2 चौकाराने थोडा का अन होईना, थोडस खांदे वर आले, थोडे झुकलेले खांदे, बॉडी लँग्वेज कुठेतरी खाली गेली होती या गासपाडा संघाची, ती थोडीशी वर आले, किमान 45 धावसंख्येत मजाला मारण्याची आवश्यकता आहे। पाठीमागे गेला पुल करण्याचा प्रयत्न होता मिड विकेट रिसर मध्ये, क्षेत्ररक्षक आहेत, थोडस फंबल प्रयत्न करतो, हाना हाना करताना 2 धावा या चेंडूवरती पूर्ण करतोय आणि या 2 धावांनी धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 25 वरती जाऊन पोहोचलेली असताना 2 धावा या चेंडूवरती, 3 धावा या चेंडूवरती पूर्ण करतोय, 3 धावा या चेंडूवरती पूर्ण करतोय जय पाटील। एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन चा मारा करण्याचा प्रयत्न करतोय जय, परंतु थोडीशी आखूड टप्प्याची गोलंदाजी, शॉर्ट ऑफ लेन डिलिव्हरी हाताळतोय आणि आतापर्यंत विशाल पहिला बघा 1 2 3 4 5 जवळपास कमी पडले, त्याच्यानंतर विशाल आला, विशालनं काय केलंय 2 चौकार दाखवल्यात, एक अजूनही 3 धावा म्हणजे आतापर्यंत 13 धावसंख्येवरती खेळतोय। फुल्लर लेनचा चेंडू शर्यावरती आदळलाय, क्रॉस बॅटेड फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता या टप्प्यावरती, कारण जय पाटील आपल्याजवळ एक फ्लाइट आहे, एक चांगला टर्न आहे आणि या 2 गोष्टीसाठी आपण टप्पा व्यवस्थित राखणं फार गरजेचं होतं, तो टप्पा राखलाय, थोडासा फ्लाइटेड डिलिव्हरी टॉसअप डिलिव्हरी हाताळली होती जयनं, बिलकुल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। 26-5 विकेट के नुकसान पर स्ट्राइकर पर चिराग, 3 पर बल्लेबाजी करते हुए, ओहो छोटी गेंद थी, जबरदस्त प्रहार, गेंद बॉल इलर के बाहर, पावरफुल ड्यूरेशन, शानदार दमदार छक्का, आई लाई पावरफुल शुक्र। देखिए क्या गलती हुई गेंदबाज की तरफ से, ये शॉट देखे, छोटी गेंद थी, हाफ ट्रैकर बल्लेबाज बैकफुट पर तैयार थे, पुल किया, ऑटोमैट का जबरदस्त इस्तेमाल बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए और उसके बाद में दर्शक दीर्घा में गेंद जाती हुई, चिराग के बल्ले से यह पहला शानदार छक्का है 32-5 विकेट के नुकसान पर, विशाल 13 पर बल्लेबाजी करते हुए, टिप ऑफ के बाहर वाइड बॉल का इशारा, तो करम सर जब छक्का आता है ना, तब ये जो कि गेंद के ऊपर हमला नहीं होता, गेंदबाज के दिमाग पर हमला होता है, बिल्कुल उसके बाद में ये वाइड बॉल आया तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन में कमी आई है जय पाटील। हाँ, थोड़ा सा फलंदाजी रेंज पासून लांब खेळवण्याचा प्रयत्न केला जयन, आय चेंडू बघा, एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट, काहीसा अतिरिक्त करण्याचा प्रयत्न करतोय गोलंदाज जय पाटील वरती आता दबाव आलाय, जो आतापर्यंत दबाव थोडासा जैसे महसूस कर रहे थे बल्लेबाज, आता मात्र थोडासा गेलाय तो दबाव गोलंदाजी दिशेने, कारण एक षटकार आलाय, एक चौकार आलाय, दबाव थोडासा चेंज आलाय या टप्प्यावरती, बघा ही लाईन आहे, ही लेंथ आहे, ही टप्पा आहे, ही दिशा आहे ज्याच्यावरती आपल्याला गोलंदाजी करायची, बिल्कुल आपले सही का, आयडियल गेंदबाजी यहा हो सकती है, बहुत बढ़िया गेंद टिप ऑफ स्टंप के बाहर बल्लेबाज ऑन साइड पर खेलने के लिए तैयार है, लेकिन एक शॉट से क्रिकेट नहीं होती। 34-5 विकेट के नुकसान पर वही कहानी है, खराब बल्लेबाजी, छोटी गेंद थी तब जाकर आपने वो अच्छा स्ट्रोक खेला था, लेकिन जब ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर वाली जो गेंद है ना, जिसके ऊपर आप एक बार फिर वो शॉट खेलने का जो प्रयास करें ना, हर बार ऑन साइड की तरफ जाके खेलने का प्रयास। 4 ओवर की कहानी समाप्त होते हुए 35-5 विकेट के नुकसान पर विशाल 13 पर खेल रहे हैं, चिराग 10 पर खेल रहे हैं, छठे विकेट के साझेदारी खास करके इस पर बनती भी गासपाड़ा टीम के लिए, आफ्टर 4 ओवर 35 लॉस ऑफ 5 विकेट। बहुजन विकास आघाडीचा झेंडा फडकत राहणार हाय, फडकत राहणार हाय। शुक्रिया डीजे, देखिए क्या हुआ था, कल्पेश 0, संदेश 1, संकेत 1, कल्पेश 5, दीपक 1, ये टेलीफोन नंबर नहीं है तो कराम सर, ये टेलीफोन नंबर नहीं है, आज बल्लेबाजों का परफॉर्मेंस है। निशा 2 ओवर 12 रन और हितांशु 1 ओवर 7 रन, जय पाटिल का ओवर बहुत महंगा रहा है जिसमें मोमेंटम बिल्कुल घासपाड़ा की तरफ चला गया है, 20 ओवर में 16 रन आए हैं।
चिराग दास पर, विशाल तेरे पर बहुत अच्छे अपडेट या डिबेट लाइव के माध्यम से। तीसरा षटक हा सुरण जसा उल्लेख केला होता थोडासा मोमेंटम चेंज झालाय, 16 वरती 16 धावा ज्या षटकामध्ये पूर्ण केल्या। आता हा आई एक जीवदानीचा संघ, गासपाड्याचा संघ कुठेतरी वाटत होता थोडस मागे सरलाय आणि त्याच वेळेला या 16 धावा थोडस टॉनिकचं, थोडस ऊर्जेचं, थोडस एनर्जीचं काम करून जाईल कामध्ये। थोडस ड्रिंक्स ब्रेक्स होतोय, जलपानसाठी थोडासा खेळ थांबलाय, पाण्यासाठी थोडासा खेळ थांबलाय, थोडी उत्संत आहे, थोडा श्वास घेण्याचा संधी आहे दोन्ही टीम्सना। एका बाजूला चिराग विशाल ही जोडी एक पार्टनरशिप बिल्ड करण्याचा प्रयत्न करतोय, भागीदारी रचण्याचा प्रयत्न करतोय, तर दुसऱ्या बाजूला जो दबाव जो प्रेशर कायम ठेवला होता तो चौथ्या षटकामध्ये थोडासा कमी झालाय। फॉलो विकेट्स आपण हायलाइट्स बघू शकता कशा पद्धतीने हा पहिल्या विकेट्स इथे गमावला होता, ऑन साइडला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता। निषादनं आतापर्यंत इम्प्रेसिव्ह केलं होतं, त्याच्यानंतर फुल्लर लेन्थचा हा चेंडू होता, चेंडू सरळ यष्टी उद्ध्वस्त। जाऊया पुन्हा एकदा मॅचच्या दिशेने जातोय, कारण सामन्याला सुरुवात होते, मॅचच्या दिशेने जाऊया। धावसंख्या 35 शेवटचं षटक हाताळण्यासाठी केतन पाटील सज्ज होतोय, डावखुरा गोलंदाज। फुलर लेनचा चेंडू, पहिला चेंडू सरळ साइड स्किनच्या डोक्यावरती आलाय, बिग इट ड्युरेशन पॉवर सिक्सर ड्युरेशन पॉवर षटकार। 6 धावांचा फटका आता सरळ बॅटने खेळलाय, वी मध्ये खेळलाय आणि खास करून फुल फेस ऑफ द बॅट, जे साहेब हमेशा कहते ना बल्ले का पूरा चेहरा दिखाय। हा फुल्लर लेनचा डिलिव्हरीचा चेंडू होता, सरळ खेळला बरोबर, ड्युरेशन पॉवर चषकाचा होर्डिंग्स आहे त्याच्या डोक्यावरती चेंडू आदळलाय। आणि ज्या गोष्टीचा उल्लेख केला होता ना की दोन चौकार जिथून आले विशालच्या बॅट मधून तिथूनच सामना टर्न अराउंड झालाय। बिलकुल इस वक्त अच्छी बल्लेबाज चिराग और विशाल द्वारा। केतन गेंदबाजी कर रहे, पहली गेंद पर स्वागत होता बा, इस बार भी आसमान की तरफ चली गई गेंद, दो खिलाड़ी है बॉडी लाइन पर, क्या कैच हो जाएगा। बिल्कुल बल्लेबाज चिराग बैक टू द पैवन जाते हैं, केतन को विकेट मिली है, पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर विकेट है, विकेट गिरता हुआ मधुर सिंह बचता हुआ गॉन। शुक्रिया डीजे 41 रन 6 विकेट के नुकसान पर, 41 फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट। ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं इस वक्त चिराग जिन्होंने 10 गेंदों में 16 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 160 का है। ये गेंद देखिए टप्पा खाने के बाद उछाल बिल्कुल था लेकिन लेंथ बहुत अच्छी थी, ज्यादा पीछे चले गए क्रीज के गहराई में और ऑन साइड पर पुल शॉट खेलना चाहते थे, इतनी जगह नहीं थी तो इसका फायदा बिल्कुल केतन को मिलता हुआ। अच्छा कैच बॉडी लाइन पर लिया गया और अब छठे विकेट का पतन, जो साझेदारी सदर का कारण बनी हुई थी खास करके नारंगी के लिए, तो करण सर वो एक बार फिर ब्रेक होती भी केतन ने इस साझेदारी को तोड़ा है। बिल्कुल महत्वाचे क्षणी एक ब्रेक थ्रो मिलवून देतोय हा केतन। आणि दुसरी गोष्ट जसं तुम्ही उल्लेख केला होता पाठीमागे जाऊन खेळण्याचा क्रम, हा फ्रंट फुट वरती खेळण्याचा चेंडू होता, फ्रंट फुट वरती पुल करण्याचा प्रयत्न करायला होता, बॅकफुटला गेला आणि तिथेच थोडासा मिसटाईम होतोय। फुलर लाईनचा चेंडू ऑन साइडला खेळतो, शॉर्ट पॉइंट लेगला क्षेत्ररक्षक आहेत, एक धावे चेंडू वरती पूर्ण करतो, लेग बाईटचा इशारा आला पंचाकडनं, एक अवांतर धाव पुन्हा एकदा खात्यामध्ये जमा होते। आणि मी पुन्हा तुमच्या दिशेने येतोय कारण इथून 4 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे, इथे 50-55 धावा सुद्धा फायटिंग होतील एक टार्गेट। इथे आई जीवदानी गासपाड्याचा संघ जाणून आहे 50+ धावा निर्णायक ठरू शकतील, 50+ धावा टार्गेट एक चांगला बॅटल रंगू शकतो। इसका मतलब की इस मॅच में जो आने वाली 4 गेंद है उसमें आपको 2 बड़े शॉट खेलने होंगे, 3 गेंदों का खेल अभी भी शेष है तो 3 गेंदों में 2 बड़े शॉट आपको खेलने की जरूरत है। कदम का इस्तेमाल जरूर किया गया लेकिन अच्छी तरह से गेंद को नहीं खेल पाए, टाइमिंग नहीं कर पाए, उन से पर गेंद को खेलना चाहते थे विशाल। विशाल 13 पर है, 6 गेंदों का सामना किया है, दिमाग नए बल्लेबाज है, 2 गेंदों का खेल शेष है और एक पहली गेंद पर छक्का आने के बाद केतन ने कमबैक जरूर किया है। छोटी गेंद अपने अनोखे अंदाज में गेंद को खेल दिया बल्लेबाज विशाल, कमाल कर रहे मैदान के अंदर, गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाते भी और एक जबरदस्त प्रहार, गेंद बॉडी लाइन के बाहर, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। देखिए किस तरह से शॉट, थोड़ा सा अनोखा अंदाज है और बढ़िया तरीके से ऑन साइड की तरफ खेलते हुए कैप में खेले हैं, टाइमिंग बढ़िया विशाल की, 46 विकेट के नुकसान पर।
ये भी अच्छा स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। यहाँ एक बार फिर ओ दो टांगों के बीच से गेंद बॉडी लाइन के बाहर चार रनों के लिए। इससे पहले हम कहते थे कि गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार चौका, अभी कहेंगे फील्डर ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया ड्यूरेशन पावरफुल चौका। अक्षय लिमन डोंगरपाड़ा के कप्तान और न्यू चंदनसार बदाम टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, प्लीज टॉस के लिए आइए। टुकरा मांगेला इस वक्त टॉस वॉस में होने वाले हैं। ड्यूरेशन चषक 2022 में अभी जो मुकाबला चल रहा है जिसमें घासपाड़ा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 रन बनाए हैं और जीतने के लिए 51 रनों का लक्ष्य आई एक वेरा नारंगी के सामने रखा हुआ है। तो कल्पेश आउट फॉर डक, संदेश ने बनाया एक रन, संकेत एक, कल्पेश पांच, दीपक एक, चिराग के 16 रन और विशाल की शानदार पारी। नॉट आउट रहे, 21 रन बनाए, दीवान को ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला। निषाद के दो ओवर 12 रन और 3 विकेट, अच्छी गेंदबाजी, सफल गेंदबाज है। नितांशु एक ओवर 7 रन, 2 सफलता, एक साझेदारी बनी। और केतन एक ओवर 15 रन, महंगे साबित हुए, एक विकेट इनको मिला। जय पाटिल एक ओवर 16 रन, कोई सफलता नहीं है। तो यहाँ पहली पारी समाप्त हुई है, दूसरी पारी की तरफ जाएंगे, लेकिन इससे पहले कि दूसरी पारी शुरू हो जाए आप एक बार भी देखे टॉस का बॉल, जुड़ेंगे हमारे साथ तो करा मांगेला सर। धन्यवाद प्रशांत जी, पुनः एकदा दोन कैप्टन सला पड़ा या अक्षय लेवन डोंगरपाड़ा, अक्षय लेवन डोंगरपाड़ा आणि या न्यू चंदन सर बदाम टीम कैप्टन आपण या न्यू चंदन सर बदाम टीम कैप्टन्स अक्ष इलेवन डोंगरपाड़ा सला लास्ट कॉल है अपने आयोग अपने सूचना करना है आज शेवट का कॉल है अपने अपना लवकर या कारण वे जो थोड़ा सा संपूर्ण स्पर्धा अपन बगत ड्यूरेशन पावर चषक 2022 क्रिकेट का एक महासंग्राम या क्रिकेट या महासंग्रमा मध्य आज का दिवस जो है चंदन सर हाफ मध्य संघ खेलती पहला सामना या पहिल्या सामन्यामध्ये श्रीराम कसराळीचा संघ विजयी झालाय। दुसरा सामना जिथे 51 धावांचं आव्हान आहे दुसरा सामना जो होतोय तिथे 51 धावांचं आव्हान समोर ठेवले या संघाच्या समोर। चला दोन कॅप्टन्स पुन्हा एक आपल्याला विनंती अक्षय लेवन डोंगरपाडा मी इथे विनंती करतोय आपल्या इंडियन डिजेबल टीम चे कैप्टन्स अपने खोपरी गांव के सुपुत्र रवि पाटिल विनंती कर शुभस्ते नाणेफेक के लिए जा रहा है। तो दोन टीम कैप्टन चला या लवकर अक्षय लेवन डोंगरपाड़ा आणि दुसऱ्या बाजूला असणार आहे न्यू चंदन सर बदाम टीम कैप्टन चला आपण या इथे नाणेफेकीचा कॉल होता टॉस केला जातोय डीबीएन लाइव ची टीम संपूर्णपणे कैच करण्याचा प्रयत्न करतो या स्पर्धेला आपण यूट्यूबच्या माध्यमातून बघू शकता। इथे विनंती करतोय रवि पाटील यांच्या शुभस्ते हे नाणेफेक होते न्यू चंदन सर बदाम टीम्स आणि दुसऱ्या बाजूला अक्ष इलेवन डोंगरपाडा नाणेफेकीचा टॉस केला जातोय कॉल होतोय हेड्स इज द कॉल डोंगरपाडा हेड्स आणि टेल समोर टेल आलाय नाणेफेकीचा कॉल जिंकलाय तो सगळ्यांनी मी पुन्हा एकदा रवी पाटील आपल्याला विनंती केली आपण व्यासपीठावरती आसन असतं व्हायचंय तर कर्णधार आहेत न्यू चंदन सर नाणेफेकीचा कॉल जिंकलाय हा तिसरा सामना आहे की या मैदानावरती आतापर्यंत पहिल्या सामन्यामध्ये धावा झाल्या दुसऱ्या सामन्यामध्ये कमी आहेत काय निर्णय होतोय या सामन्यासाठी बॅटिंग प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला जास्त वेळ घेणार नाही पुन्हा एकदा कॉम्बॉक्स तयार होतोय दोन्ही संघांना आपण शुभेच्छा देतोय आणि बेस्ट ऑफ लक असेल अक्षय लेवन डोंगरपाडा आणि न्यू चंदन सर बदाम कारण नाणेफेकीचा कॉल जिंकला टॉस बॉक्स मध्ये न्यूज तीच आहे नाणेफेकीचा कॉल जिंकलाय न्यू चंदन सर बदामच्या संघाने आणि प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। मी पुन्हा एकदा जातोय जिथे मुख्य कॉम्बॉक्स मध्ये असतील प्रशांतजी आदवडे। शुक्रिया तुकाराम मागेल सर बीच मैदान पर अगर देखे तो मुकाबला शुरू हो रहा है ड्यूरेशन चषक 2022 बहुजन विकास आघाड़ी घासपाड़ा की तरफ से शानदार टूर्नामेंट के आयोजन करता अजिंक्य घरत और मुकाबला शुरू हो रहा है। निशांत और जयेंद्र मैदान के अंदर है कल्पेश गेंदबाजी करने के लिए तैयार पावर प्ले का पहला ओवर जिसमें कि आप देख रहे हैं इस वक्त
थर्ड मैन पॉइंट कवर, एक लॉन्ग अप पर खिलाड़ी मौजूद। टप्पा खाने के बाद उछाले थे विकेट को, ऑन साइड पर पुल जरूर किया गया, खिलाड़ी बॉडी पर मौजूद। खराब फील्डिंग, खराब फील्डिंग, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रनों के लिए जाते हुए ये लगा ड्यूरेशन चषक 2022 का पावरफुल चौका। आए हो चान गचनत चट पाटिल, हम का पाटी राखा, आए हो चान गचनत चट पाटिल, ये गास पड़ा चषक यो हमचा, आई ले पावरफुल। थैंक यू दिनेश मांगेला, या वेला व्यासपीठ वरती आहेत, आपण त्यांना ही पाहू शकता, आयोजक म्हणून त्यांचाही मोठा रोल नेहमीच असतो, खूप चांगलं काम टेनिस विश्वासाठी नेहमीच करत असतात। तो ये पहिला चौका आहे बल्लेबाज का, ऑन साइड पर खराब फील्डिंग, बिड बिग बेटर हुई है और इसका फायदा मिलता है निशांत को, जो ऑलराउंडर खिलाड़ी, आज गेंदबाजी कमाल की है। 51 रनों की जरूरत है, पहली गेंद पर चौका, कल्पेश राइट आर्म ओवर द विकेट। ये अच्छी गेंद है, बहुत अच्छी गेंद, टिप्पा खाने के बाद उछाल जरूर मिला, इस गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लेंथ बहुत अच्छी थी, उछाल जरूर मिलता हुआ, विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जा रही है, रन की कोई गुंजाइश नहीं है। ऑफ साइड पर इस वक्त चार खिलाड़ी, जिसमें कि तीन खिलाड़ी दायरे के अंदर हैं, स्ट्रोक अच्छा है, लेकिन इस वक्त खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर मौजूद। निशान ने आज कमाल कर दिया, चार विकेट चटकाए, उसके साथ अगर देखे तो इस मुकाबले में प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर मौका मिल रहा है। निशान पांच पर, लेकिन दो निशान एक टीम में है, ये बल्लेबाज निशान है और एक गेंदबाज निशान है, निशान और निशान अलग अलग है। तो निशान ने अच्छी गेंदबाजी की थी, निशान गेंदबाजी कर, अब बल्लेबाजी कर रहे। टप्पा खाने के बाद उछान, नॉन स्ट्राइकर एंड पर बिल्कुल निशान, स्ट्राइकर एंड पर जयेंद्र, कल्पेश गेंदबाजी कर रहे हैं, पांच रन बगैर किसी नुकसान के। तो जिन्होंने आज विकेट लिए हैं वो है निशांत, बल्लेबाजी कर रहे हैं उनका नाम है निशांत, पांच पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। राइट टर्म ओवर द विकेट, ओ इस वक्त बहुत अच्छी गेंद थी, खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है, लॉन्ग ऑफ पर बढ़िया फील्डिंग, एक रन का इजाफा, सिंगल के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ, रन संख्या कुल मिलाकर छह रन बगैर किसी नुकसान के। पहले ओवर का खेल चल रहा है, पहली गेंद पर चौका आने के बाद कल्पेश ने कमबैक किया है और ये करना बहुत जरूरी होता है। बल्लेबाज गेंदबाज को टैकल करने की कोशिश करता है, गेंदबाज बल्लेबाज को टैकल करने की कोशिश करता है, तब जाकर ये करना बहुत जरूरी। ऑफ के बाहर गेंद, रूप मिला, बहुत बढ़िया तरीके से कवर के ऊपर से गेंद को खेल दिया है, इस गेंद को बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए गेंद और शानदार फील्डिंग। ओवर इस वक्त इंपॉर्टेंट, पहला ओवर है, पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ, रन संख्या आठ रन बगैर किसी नुकसान के। सात पर केंद्र निशान, जयेंद्र ने बनाया एक रन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के साथ वापस आएंगे, 24 गेंदों में 43 रनों की जरूरत। क्लीन लाइव टेलिकास्ट डीबीएन लाइव, आता ही मैच तुम्ही घरी बसून ज्या बघत असाल ना, तिथे देखील तुम्हाला एक चांगला फील येईल, खूप चांगले आपण बघू शकता। इथे आपण स्कोरबोर्ड आहे, जिथे आपण पाहू शकता घासपडाचा संघ बॉलिंग करत असताना, ड्युरेशन पॉवर चषक 2022, नारंगी संघ 8 धाबा, पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय, 5 षटकाचा मॅच आहे, निशांत 7 वरती घेतोय, जयेंद्रने 1 धाव केले, दीपक गोलंदाजी मार्गवरती सध्या, अगदी ब्रॉड या ठिकाणी हा स्कोरबोर्ड आहे, खूप चांगलाय, खूप सुंदर। प्रवीण आणि धनंजय यांनी हा स्वतः डेव्हलप केलेला स्कोरबोर्ड आहे। लेक्स्टमच्या बाहेर या वेळेला चेंडू आहे, त्यामुळे पंच दोन्यात फैलावतील आणि सांगतील की चेंडू स्वैर आहे। 51 धावांचा पाठलाग करत असताना धावपळ करते धावा आहे त्या बिन बात नऊ नारंगी, आई एकवीरा नारंगी आणि आई जुदानी घासपडा या दोन संघांची अत्यंत महत्वाची लढत, दुसरा सामना या स्पर्धेतला पहिल्या दिवसातला। ऑनसाइडला पोल करण्याचा जो प्रयत्न झाला तितकासा चांगला टायमिंग नाहीये, क्षेत्ररक्षक सीमारेखेवरती आहे, जोपर्यंत चेंडू पकडते थ्रो करते तो पर्यंत दोन्ही फलंदाजांनी एक धाव पूर्ण केले, एकेरी धाबेने धावपळ करती धाबा दुहेरी अंकामध्ये प्रवेश करतायत, 10 धाबा बिन बाद 10, 51 धावांचा पाठलाग करत असताना नारंगी। गोलंदाजी मार्क वरती आपण दीपकला पाहतोय,
दीपक खांडेकर गोलंदाजी मार्क वरती। अभे चेंडू है गैप मध्य का चेंडू सीमा रेखा पार जा शंका नहीं है नशिबाची साथ चेंडू जाए सीमा पार ये तो ड्यूरेशन चषक का बाबर पुल चौकार चौदा धावा बिनबाद चौदा निशान व्यक्तिगत अकरा धाव संख्येवरती खेळतोय पाच चेंडूंना तो सामोरं जातोय पर इस वक्त करते की तो ये क्रुशियल मुकाबला है दोनों टीमों के लिए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज दीपक खांडेकर हवा में ऊपर जाती हुई गेंद इस वक्त दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है गेंद के नीचे आ रहे हैं लेकिन कोई तालमेल नहीं था लॉन्ग ऑफ पर लॉन्ग ऑन के बीच अगर थोड़ा तालमेल होता तो बिल्कुल एक अच्छा कैच हो सकता था लेकिन कोई कॉलिंग नहीं है बॉलिंग बहुत अच्छी है दीपक थोड़ा सा निराश देखिए ये कैच ये तो मेरे हिसाब से लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी की था या एक बार फिर लॉन्ग ऑफ दोनों प्रयास कर सकते थे तारी के अंदर खिलाड़ी था तो वो बिल्कुल वो पीछे आ सकता था मतलब इनको पीछे आना था वो आसान नहीं। रन तक के 70 रन ओवर दूसरा प्रगति पर है 21 गेंदों में 34 रनों की जरूरत डीपीएन का काम कमाल का क्वालिटी बढ़ गई है। अजिंक्य गरत इस टूर्नामेंट के आयोजन करता है जिन्होंने बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट बिल आयोजन इस टूर्नामेंट का अच्छा आयोजन इन्होंने जरूर किया है। ऑन साइड पर गेंद को खेलते हुए खिलाड़ी बॉर्डर पर मौजूद है एक रन का इजाफा सिंगल के साथ स्कोर बिल्कुल बढ़ रहा है चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर हो जाऊंगा या तो मिलेगी मंजिल या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा स्कोर बोर्ड को चलाने का काम कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। निशान 14 पर है जयेंद्र ने 3 रन बनाए और दूसरे खास करके पहले विकेट के लिए एक अच्छी साझेदारी इस दूसरे मुकाबले में 18 for 9 एक्रॉस ऑन साइड पर खेलना चाहते थे अच्छी गेंद थी गेंद को अच्छी तरह से परख नहीं पाए देखिए क्या हुआ था राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे टिप्पा बिल्कुल ऑफ करके थोड़ा सा बाहर था वहां से शरारत करती हुई गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्ताने की तरफ हरकत करेंगे तो बरकत आपको जरूर मिलेगी उड़ाया आसमान की तरफ बहुत ऊपर जाती हुई गेंद शानदार स्ट्रोक है तारा मंडल में पक्का 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 ये लगा शानदार छक्का गेंदबाज हक्का बक्का पावरफुल ड्यूरेशन जबरदस्त छक्का चौबीस बकर के से नुकसान किए तुकाराम मांगेला सर बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट हुआ है पानी आप लेके जा सकते हैं क्योंकि पानी की सख्त जरूरत है। निशान जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे 8 गेंदों में 20 रन 18 गेंदों में 27 चाहिए और नारंगी के लिए तुकाराम सर स्टार्ट अच्छा हुआ तो दूसरी तरफ से इस मुकाबले में घास पाड़ा को विकेट की सख्त जरूरत बिल्कुल ब्रेक थ्रू ची फार नितांत गरज है जब जो मोमेंटम आपण बघितला 2 षटका मध्ये 24 धावांचा खास करून निशान ची बैट निशान पाटील ची बैट मात्र इथे तलपलेली आहे वैतीपाडा संघ सुद्धा इथे दाखल झालाय सुनील मोस्ट वेलकम आहे आपलं सुनील या ड्युरेशन पॉवर चषक 2022 मध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आपण मॅचच्या दिशेने सुद्धा चर्चा करतोय आता जिथे 18 चेंडू आणि 27 धावांची गरज आहे तर सुनील मोस्ट वेलकम या स्पर्धेमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आहे आपण जातो मॅचच्या दिशेने निशांत पाटील म्हणजे आपण निषादला बघितलं निशांतचा निशाणही या मैदानावरती बघितला इथे एक गोलंदाज इथे गासपाडा टीम साठी एक गोलंदाज असा हाताळावा लागेल जो थोडासा कंजस गोलंदाजी करेल थोडासा कमी धावसंख्या देईल कमी धावा देईल आणि ब्रेक थ्रू ज्या विकेटची गरज आहे जैसे प्रशांत जी ने कहा ना जिस विकेट के तलाश में गासपाडा की टीम है ज्या विकेटच्या शोधामध्ये हा संघ आहे तो विकेट प्राप्त करणं जी भागीदारी तोडणं दुसऱ्या बाजूला जयेंद्र आहे सोने आहे तो 3 धावसंख्येवरती खेळतो पण निशान त्याची बॅट तळपले 8 चेंडू मध्ये 20 धावांची आतापर्यंत खेळी या फलंदाजच्या बॅट मध्ये साकारलेले गोलंदाजी मार्क वरती कल्पेश मात्रे 51 धावांचा पाठलाग केला जातोय कल्पेश मात्रे एक अनुभव एक एक्सपिरियन्स अनुभव खेळाडू पुन्हा एकदा मैदानावरती आलाय गोलंदाजाच्यावरती आशा आहेत अपेक्षा आहेत आकांक्षा आहेत एक्सपेक्टेशन आहेत गासपाडा टीमचे
खोट्या पॅथ चेंडू शॉर्ट ऑन पुल करण्याचा प्रयत्न ऑन साइड ला वायडिश लॉंग ऑन ला क्षेत्ररक्षक चुकलाय दुमना धाबा या चेंडू वरती पूर्ण करतोय आणि खास करून एक विरा नारंगीचा संघ खेळतोय एक यंगस्टर म्हणजे युथ एनर्जेट संघ आहे पहिल्यांदाच एखाद्या स्पर्धेमध्ये असा संघ खेळताना बघतो मोठ्या स्पर्धेमध्ये नारंगीचा म्हणजे नारंगीचा बी संघ बघितलाय ए संघ एक गाव संघामधन बघितलेला आहे हा पहिल्यांदाच संघ खेळतोय मोठ्या स्पर्धेमध्ये हा खोट्या पॅच चेंडू शॉर्ट ऑफ बोल बॅटच्या वरच्या बाजूला लागतोय जिथे बॅटचं मॅन्युफॅक्चरिंग स्टिकर असतं मिडविकेट रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक सीमारेषे जवळ आलाय एक धाव जिथे धावा जमल्या नाहीये धावा उभारल्या गेल्या नाहीयेत आम्ही चर्चा करत होतो प्रशांत यांच्या जवळ 55 धावा करणं गरजेचं होतं आतापर्यंत अर्धापाला जवळपास झालाय धावसंख्या 27 कल्पेश गोलंदाजी मार्क वरती लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट राऊंड द विकेटचा मारा क्लीन बॉल सरळ यष्टी उद्ध्वस्त ज्या ब्रेक थ्रूची गरज होती ज्याचा शोध चालू होता तो शोध संपलाय निशांच्या रूपानं गडी बाद झालाय पहिला ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं इस वक्त निशान जिन्होंने 20 रन बनाए स्टार्ट अच्छा करके दिया नारंगी टीम के लिए और देखिए क्या हुआ था क्लीन लाइव टेलीकास्ट डीबीएन लाइव और इस वक्त गैप जरूर बना दो पैरों के बीच में जो गैप था बिल्कुल उसको चीरती भी गेंद मिड स्टंप पर टकराई है ब्यूटीफुल बॉलिंग एंड फर्स्ट ब्रेक थ्रू दूसरे एंगल से भी देखिए दोनों एंगल दिखाते हुए हमारे अपडेटर बहुत अच्छा काम और इतना सुधार इतना जल्दी आएगा मुझे भी नहीं लग रहा था लेकिन प्रवीण बिल्कुल आपने आपने बहुत अच्छा काम किया प्रवीण और धनंजय 27/1 कल्पिश गेंदबाजी करे लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट अब आगे गेंद है लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद दूसरा झटका विकेट गुच्छे में आ रहे हैं बल्लेबाज एक बार फिर बहुत अच्छा चौके स्टार्ट कर चुके थे लेकिन इस वक्त कल्पेश ने मैच में जान डाली है गॉन सपन से मिली शुक्रिया टी से बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला मैदान के अंदर दीपेश मात्र इनकी तरफ से हैट्रिक के लिए 500 का इनाम है खास करके कल्पेश के लिए 14 गेंद में 24 इस मैच में पलटवार मैच में एक बार फिर वापस आते हुए टीम घासपाड़ा की देखिए क्या हुआ था सुंदर गेंदबाजी का मुजहरा कीपर थोड़ा सा ऑफ टेप के बाहर था ऑन साइड पर एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन पर शानदार फील्डिंग कोई गलती नहीं है और विकेट गिरता हुआ जबरदस्त कमबैक इस वक्त खास करके घासपाड़ा टीम की तरफ से कल्पेश जैसे आपने कहा ना इस मैच में जान डाली या सामन्यामध्ये पुन्हा एकदा कमबॅक करून दिले खऱ्या अर्थानं पण दुसऱ्या बाजूला पण एकविरा नारंगीच्या टीमच्या बाजूने विचार करतात कारण स्टार्ट मिळाला होता फ्लाइंग स्टार्ट होता सुरुवात जबरदस्त होती आणि त्या क्षणाला गेले चार चेंडू जर आपण बघितले दोन विकेट गमावले आहेत कल्पेश मात्रेच्या गोलंदाजीवरती आपण बघितलं गेलं दोन जे गडी गमावले हॅट्रिकच्या मोक्यावरती आहेत एक प्राइस सुद्धा आले कल्पेश मात्रेसाठी हॅट्रिक साठी एक पारितोषिक आहे हॅट्रिकच्या मोक्यावरती कल्पेश बिल्कुल इस पर कीर्तिमान की दलित पर है कल्पेश हो बच गए बिल्कुल ये ऑफ स्टंप कैसे मिस किया इन्होंने टिप्पा खाने के बाद ये थोड़ी नीचे रही है सुंदर गेंदबाजी का मुजहरा देखिए क्या हुआ था गेंद अंदर की तरफ आई बिल्कुल एक बार फिर थोड़ी अंदर की तरफ आई और ऑफ स्टंप के आसपास से निकल गई विकेट कीपर के दस्तान की तरफ सर के ऊपर हाथ जाते हुए कल्पेश के सुपर बॉलिंग ब्रिलियंट बॉलिंग बाय कल्पेश 27/2 अब नारंगी के ऊपर दबाव बिल्कुल दबाव वाढतोय प्रेशर वाढतोय कल्पेश गोलंदाजीने पुन्हा एकदा दबाव थोडासा परावर्तित झालाय नारंगीच्या टीमवरती मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न ऑफ साइडला वायडिश लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक त्याच्या पायाला लागून चेंडू चाललाय सीमारेषेच्या जवळ क्षेत्ररक्षक होताना दोन धावा चेंडूवरती पूर्ण केले तिसऱ्या धाव्याचा प्रयत्न दोन धाव्यावर समाधान मात्र हे षटक थोडस ड्रॅमॅटिक ठरले हे षटक थोडस नाट्यमय संपले या षटकामध्ये धावा कमी आल्यात विकेट जास्त गेल्यात तीन षटकाचा केस संपलाय धावसंख्या 29/29 इक्वेशन समीकरणाच्या दिशेने जाणार कारण इथून 12 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे 22 धावांची गरज आपण आता व्यासपीठावरती पाहू शकता भारतीय संघाचे माजी कर्णधार रवी पाटील दिव्यांग क्रिकेट करता ज्याने तिन्ही वर्जन टेस्ट क्रिकेटमध्ये
ओडीआयच्या क्रिकेटमध्ये 2020 क्रिकेटमध्ये पहिल्याच मॅच मध्ये शतक झळकावणारा खेळाडू म्हणून निश्चितच रवी पाटील यांचं नाव घेतलं जाईल. आणि ऑन स्क्रीन आपण त्यांना पाहू शकता, ते खूप छान गप्पा मारतायत आणि गप्पांमध्ये मशगूल आहेत. प्रवीण आमचे कॅमेरामन आहेत, त्यांनी मात्र आता रवी पाटील यांना कॅप्चर केलेला आहे. आणि जसं प्रशांतजी तुम्ही उल्लेख केला, मी एकमेशींच्या दिशेने जातो, पुन्हा एकदा तुमच्या चर्चेच्या दिशेने येतोय. 12 चेंडू आणि 22 धावांची गरज रवी पाटील, म्हणजे भारतीय डिजिबल टीमचे कॅप्टन्स. जसं तुम्ही उल्लेख केला, वन डे फॉर्मॅट, टी ट्वेंटी फॉर्मॅट, टेस्ट फॉर्मॅट, तिन्ही फॉर्मॅटमध्ये शतक ज्यांच्या नावावरती आहेत. आणि आता आता आताच्या घडीला सुद्धा त्याचा तोच खेळ चालू आहे, पण थोडीशी भूमिका बदलली आहे. अजून नवीन खेळाडूंना पुढे आणण्याचं काम रवी पाटील यांच्या माध्यमातून केलं जात आहे. अजून एक खेळाडू म्हणजे शिरगाव गावचा कल्पेश पाटील, महाराष्ट्राच्या टीमचा कॅप्टन्स आपण बघितला होता, त्या खेळाडूला पुढे आणण्याचं काम सुद्धा रवी पाटील यांच्या माध्यमातून केलं जात आहे. निश्चितच आता मैदानामध्ये जे चित्र आहे ते देखील आपण बघूया. ज्या पद्धतीने 12 चेंडू आणि 22 धावांची आवश्यकता, खेळ पुन्हा एकदा रंगलेला आहे. एक रंगतदार रोमांचक सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. 29 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. ओ टप्पापर्यंत उसळी घेणारा चेंडू, हलकस अपील आहे, ज्यामध्ये आत्मविश्वास जास्त आहे, उत्साह जास्त आपल्याला पाहायला मिळतोय. 11 चेंडू 22 धावांची आवश्यकता. टप्पा कळल्यानंतर उसळी घेणारा चेंडू ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु शरीराचं संतुलन तितकंसं चांगलं नव्हतं. जयेंद्र आणि निखिलला संधी हिरो बनण्याची, तर दुसऱ्या बाजूला कल्पेशनं ज्या पद्धतीनं गोलंदाजी केले, इथे कमबॅक करण्याची पूर्ण संधी आहे. आपण जर बघितलं तर घासपडा संघासाठी कल्पेश पाटील, हो सुरेख सुरेख लाईन एन लेन कल्पेश. पहिला कल्पेश मात्रेला बघितलं, आता कल्पेश पाटीललाही बघा. हा की फॅक्टर आहे, हा की फॅक्टर आहे, के फॅक्टर आहे या घासपडा टीमचा, के फॅक्टर आहे कल्पेश पाटील या क्षणाला. म्हणून मी म्हटलं होतं नारंगीचा टीम यंग अँड युथ आहे, म्हणजे तुमच्या जोडीला जोश आहे, पण होश मध्ये असणं सुद्धा गरजेचं आहे. क्योंकि जोश के साथ होश होना उसी तरह है जैसे रण में अर्जुन के साथ कृष्ण का होना. बिल्कुल. दूसरी बात, गेंद को आप रीड नहीं कर पा रहे, वो सबसे बड़ी परेशानी है जयेंद्र के लिए. ओ बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, तीसरे विकेट का पतन, विकेट गिरता बा, मधुर संगीत बसता बा, गॉम सपन सपन. देखिए इस वक्त अगर देखे तो नारंगी की टीम स्ट्रगल कर रही है 29 for 3, जैसे कि टारगेट ऑफ 51 रन, एंड जयेंद्र डिपॉट इज मेड 6 रन फॉर हिज साइड. बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ था जब निशांत बल्लेबाजी करते, देखिए क्या गलती हुई है. टिप्पा काफी ऑफ टाइम के बाहर, तुकाराम सर इसको आप ऑन साइड पर लेके जाना चाहते थे, और गेंद तो बल्ले के ऊपर नहीं आई थी, बाहरी किनारा लगा और उछाल था, वो परेशान करता हुआ बल्लेबाज को. याला कारण आहे असं, कारण जमाना जसा ऑनलाईनचा आहे ना, तसं क्रिकेट सुद्धा ऑन साईडला जास्त खेळलं जाते, ऑफ साईडला फार अभाव आहे. नाही कट स्क्वेअर ड्राईव्ह कबल ड्राईव्ह फार अभावानेच बघतोय, ते कारण आता उजव्याच्या बाहेरचा चेंडू तुम्ही कट करू शकला असता, तुम्ही स्लाइस कट पॉइंटच्या डोक्यावर खेळू शकला असता, ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न केला आणि तिथे विकेट गमावतोय या चेंडूला. त्या दिशेने बघा टप्पा, बघा कल्पेश पाटील याच्या गोलंदाजीचा टप्पा बघा, एखादी काय शिस्त आहे, काय लाईन अँड लेंथ आहे, एक डिसिप्लिन वाली गोलंदाजी हाताळतोय कल्पेश पाटील. बिलकुल अपनी का अनुशासन है, और क्रिकेट में चाहे बल्लेबाजी कर रहे आप गेंदबाजी कर रहे, खास करके जब गेंदबाजी कर रहे तब अनुशासन ज्यादा होना चाहिए, वो अनुशासन आप देख रहे. 8 गेंदों में 22 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए. रिमेनिंग 8 डिलीवरीज एंड नीड 22 रन टू विन दिस मैच. टिप्पा थोड़ा सॉफ्ट के बाहर ऑन साइड की तरफ खेलते हुए टाइम ही नहीं कर पाए, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है, दूसरे के लिए वापस आ रहे, तो विकेट के बीच बिल्कुल अच्छी दौड़. ये आपको जो कि पिछले 2-3 गेंदों पर करना था, मतलब छक्के चौके तो जड़ने, लेकिन उसके बावजूद स्कोर बोर्ड फिर जलाना है, 7 गेंदों में बीच चाहिए, तो ये तुकाराम सर आखिरी गेंद है ना, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इस मैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी गेंद शेष दोनों के लिए होगी विशेष. बिल्कुल बिल्कुल, म्हणजे शेवटचा चेंडू आहे या सामन्याची दशा आणि दिशा ठरवणारा चेंडू आहे, कुठल्या दिशेला जाणार आणि कोणाची काय दशा होणार हे आहे. आणि मधल्या काळामध्ये जसं तुम्ही सांगितलं, एका धावसंख्येवरती थांबल्यामध्ये काय होतं, गाडी सुद्धा एका जागेवरती थांबली ना तर थोडस जाम होणार, थोडस त्याचे व्हील जाम होणार, ते व्हील जाम आले होते, हळूहळू थोडस पुढे जाण्याचा प्रयत्न करायला हवा. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न चेंडू, अभेदा क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली, त्याच्या डोक्यावरनं चेंडू पार झालाय, शेवटच्या चेंडूवरती आलाय, हवा हवाचा वाटणारा ड्युरेशन पॉवर सिक्सर. आखिरी गेंद पर क्या हुआ है,
बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक इस वक्त बल्लेबाज निशात का, ऑलराउंडर खिलाड़ी है वो, बताते हुए कि मैं केवल गेंदबाजी नहीं कर रहा हूँ बल्लेबाजी भी कर सकता हूँ, दमखम दिखाते हुए हवा का झोंका बल्लेबाज को मिला मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार दमदार पावरफुल ड्यूरेशन छक्का। इरादा पक्का है, मजबूत इरादे के साथ पानी मैदान के अंदर। अंपायर पानी चाहिए, पानी की जरूरत है, छह गेंदों का खेल, 14 रनों की जरूरत और मैदान के अंदर चला गया पानी, क्या बदलने वाली ये कहानी, इंटरेस्टिंग है, रोचक है, मजा आएगा। छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे और पांचवे ओवर की इंटरेस्टिंग कहानी बताने के लिए। हो चान गजनाथ चेट पाटील आमचा पाटी राखा, आए हो चान गजनाथ चेट पाटील ये गासपाडाचा शक यो आमचा आईले पावरफुल गासपाडाचा शक यो आमचा। तुकाराम बांगेले सर हमारे साथ जुड़े हुए, 6 गेंदे 14 रन, किस तरह से देखते हैं इस मुकाबले में। निशान ने 20 रन बनाए थे, लेकिन निशान जो बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, प्लेयर टू वॉच आउट, जिन्होंने इरादे स्पष्ट किए हैं क्या इस मैच को निशान समाप्त करेंगे या एक बार फिर सामने से जो गेंदबाज आए हैं खास करके घासपाड़ा के इस मुकाबले में हीरो बनेंगे। धोनी ने संधि है हीरो बनने की, गोलंदाजाला सुधा संधि है हीरो बनने की। ओमकार गोलंदाजी मार्क वरती सज्ज होते ओमकार, और आपने सही कहा दोनों के लिए मौका है, गोलंदाज साड़ी सुधा संधि है, बैट्समैन साड़ी सुधा संधि है, हीरो बनने का दोनों तरफ से मौका है, दोनों बाजू ना मौका है, पर शेवटच्या चेंडूवरती जो छटका आला है तिथून पुन्हा एकदा कहानी में ट्विस्ट आला है। तुम्ही पाण्याचा उल्लेख केला, पाणी आले तर कलट नाही येणार आहे या सामन्यामध्ये, ते कलट नाही आले शेवटच्या चेंडूवरती 6-14 वाईट चेंडूचा इशारा होतो, एक अवांतर धाव पुन्हा एकदा खात्यामध्ये जमा होते, ऑफस्टंपच्या बाहेरचा चेंडू होता, वाईट चेंडू ने पुन्हा एकदा समीकरण थोडस बदललेलं आहे, समीकरणामध्ये थोडस बदल होतोय, 6 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे, 13 धावांची अजूनही गरज आहे। एका बाजूला ज्या वेळेला निशात ज्या वेळेला बॅटिंगला होते त्यावेळेला क्रिकेट वेगळं होतं, निखिल दुसऱ्या बाजूला आला क्रिकेट थोडस वेगळं होतंय, थोडस चेंज होतोय, खेळण्याचा ढंग बदलतोय, तरीका बदलतोय, ढंग बदलतोय, तरीका बदलतोय, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलिव्हरी रवीर काऊन देतोय मिड विकच्या डोक्यावर ना ड्युरेशन पावर सिक्सर। थैंक यू, वेलकम सिक्स फॉर द बैटिंग साइड, लुक एट द शॉट जस्ट शफलिंग आउट टू द ऑफ स्टंप, that's been going on to the back foot and playing toward the mid wicket region, that's a wonderful put shot from the kill, the score moves are 44 for 3, cracking shot is pakt ballebaaz ki taraf se, iski zarurat thi, ab dabav jayega khas karke gaspada ki taraf, ye kahani idhar se udhar ho rahi hai, 5 gendon mein 7 runon ki zarurat, ek acha muqabla, bahut acha muqabla maidan ke andar, omkar ke upar dabav hai, एक गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली थी तो वाइड बॉल था, उसके बाद में गेंद थोड़ा सा स्टंप के अंदर आए तो उसका फायदा बिल्कुल उठाते हुए बल्लेबाज ने खेल राइट अप ओवर द विकेट ओंकार। अब आगे गेंद है, वैसे पीछे कोई खिलाड़ी नहीं है, आंखों के सामने खिलाड़ी है तो दो रन लेने का मौका है बल्लेबाजों के पास, क्या तीसरी के लिए वापस आएंगे, 3 रन जरूर मुकम्मल करेंगे, क्या चौथी के लिए वापस आएंगे, डगआउट से तो आवाज आ रही है भाई भागो इस बार चौथा भी आप ले लीजिए। 44 से आंकड़े बदलने वाले हैं, 47-3 विकेट के नुकसान पर है और पांचवे ओवर की कहानी मैदान के अंदर चल रही है, अभी मुझे लग रहा है नारंगी का पल्ला बिल्कुल भारी। हाँ षटकार ने थोड़ा सा पराड़ जर था पहले षटकार ने अरे बा ज्या पद्धति ने शंभर से षटक आता ओमकार संधि दी ना शॉट ऑफ लैंड डिलिवरी आखूर टप्प्याची गोलंदाजी ज्या वेळेला हाताळतोय ना आणि या विकेट साठी तुम्ही आखूर टप्प्याची गोलंदाजी हाताळू शकता पण त्यासाठी तुमच्याकडे अतिरिक्त वेग एक स्पीड असायला हवा, आपल्याकडे एक वेग असायला हवा, तो वेग नसेल तर थोडस आपल्यासाठी फलंदाजाला थोडासा वेळ मिळेल, तुमच्याकडे वेग नसेल तर वेळ मिळेल आणि तो वेळ फायदेशीर ठरलाय तो बॅट्समॅनसाठी फलंदाजासाठी। या चेंडूला मिस टाइम स्ट्रोक होता मिड विकेट रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, क्षेत्ररक्षक चेंडू जगाली यही कमी रह गई थी, हीच कमी राहिली होती की काय, या चेंडूला झेल सुटलाय धावा आल्यात, अकेला गेंदबाज नाही जिताय का, एकटा गोलंदाज तुम्हाला जिंकणार नाहीये, इथे झेल टिपायला होता तिथे धावा आल्या 3, धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 5050 एका धावेची गरज। तुकाराम सर बँक बॅलन्स था इनके पास और
जब 6 गेंदें 14 वाला मैच है तो आपने एक खिलाड़ी बिल्कुल आंखों के सामने रखा हुआ है, ये कुछ मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। ये जो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का आप जो प्रयास कर रहे हैं ना, वो जो प्लान आपका है ना, वो सफल नहीं हो रहा है। 50-3 विकेट के नुकसान पर जीत की दहलीज पर नारंगी की टीम है और 3 गेंदों का खेल अभी भी शेष। ओंकार राइट अप ओवर द विकेट, स्टोकर चाहे गैप में खेलते हुए टाइमिंग बढ़ गया, गेंद लॉक आउट की तरफ आ रही है, 1 रन का इजाफा और इसी के साथ यह मुकाबला शानदार तरीके से आईब एक विराट नायगर नारंगी टीम ने जीत लिया है, कांग्रेचुलेशन। और इस मुकाबले में कल्पेश ने जो मेहनत की थी उस मेहनत पर ओंकार ने पानी फेर दिया है, केवल 4 गेंदों में इन्होंने 14 रन दिए हैं। सेलिब्रेशन के लिए गाना लेके आएंगे और उसके बाद में मैन ऑफ द मैच। आमदार झाला त्याने खासदार निवडून आणला, बहुजनांशी आनंद झाला भाव त्यांच्या मनीता जाणला। थँक्यू थँक्यू डीजे, चला आपण मेहनत